हेलो फ्रेंड्स, फाइनली पैलेस खत्म हो गया। अभी मैसूर जू के पास है। पहले मैसूर जू का नाम, अभी जामा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन में चलो गएंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम आज आए मैसूर जू। इसे पहले मैसूर जू करको बुलाते थे, उसके बाद में क्या नाम रखे गए तो चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन करको नाम रख दिया गया। यह जू 1892 में ओपन किए थे। यह जू 157 एकड़ में फैला हुआ है। द टोटल एरिया ऑफ जू इज 157 एकड़। यहाँ पर कुल मिला के 1320 जानवर और पक्षियां हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आगे पूरा डिस्क्राइब करते चलते हूँ। यह उल्लू है, इसका जीवन काल 9 से 10 साल तक। यह फीमेल मोर है, इसका जीवन काल 40 से 50 वर्ष तक जी सकता है। इसे इंडियन हॉर्नबेल कहा जाता है, जो 50 वर्ष तक जी सकता है। यह जो देख सकते हैं, दिखने तो मिट्टू जैसा है, इसे बर्जिगार मिट्टू कहा जाता है। इसका जीवन काल 5 से 8 वर्ष तक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मेल पिकॉक है, इसका जीवन काल 40 से 50 वर्ष तक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाइट पिकॉक है, यह मेल है, इसका जीवन काल 10 से लेकर 25 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों, आप वहाँ पर देख सकते हैं एक लंबा सा पक्षी ठहरा हुआ है, इसका नाम है होपिंग क्रेन। इसकी हाइट 1.5 मीटर तक रहती। इसका जीवन काल 22 से लेकर 24 वर्ष। इसे लीजर अर्जेंट स्टॉक कहा जाता है। हाइट 87 to 93 सेंटीमीटर। जीवन काल 30 वर्ष। यह जो आप देख रहे हैं, मिट्टू प्रजाति में आता है। इसे गोल्डन फिसेंट कहा जाता है और चाइनीज फिसेंट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 5 से लेकर 6 वर्ष। इसे सिल्वर फैसेंट कहा जाता है। इसका वजन 1 से लेकर 2 केजी तक रहता है। इसका आहार बीज और कीड़े मकोड़े। जीवन काल 10 वर्ष। इसे 20 ईगल कहा जाता है। इसकी लंबाई 63 से लेकर 71 सेंटीमीटर। जीवन काल 40 वर्ष। इसे अफ्रीकन ग्रे पैरट कहा जाता है। इसका लाल कलर का दुम होता है। इसका जीवन काल 23 वर्ष। इसे सन कॉर्नर कहा जाता है। यह मध्यम साइज में होते हैं। वाइब्रेंटली कलर्ड पैरट कहा जाता है। इसकी लंबाई 10 से लेकर 13 इंच होती है। जीवन काल 20 वर्ष। इसे रेड जंगल कहा जाता है, जिसे मुर्गा भी बोल सकते हैं। इसका जीवन काल 30 वर्ष होता है। इसे सल्फस क्रेस्टेड कोकेटो कहा जाता है। यह भी मिट्टू प्रजाति में आता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर 40 वर्ष होता है। इसे रेड एंड ग्रीन मैक कहा जाता है। इसे ग्रीन विंग्ड मैक भी कहा जाता है। इसका वजन 1.2 केजी होता है। इसका जीवन काल 50 वर्ष है। इसे एलेक्टस पैरट कहा जाता है। इसका वजन तकरीबन 440 ग्राम होता है। इस मिट्टू का जीवन काल 40 वर्ष होता है। इसे रेडबिल टोकन कहा जाता है। इसके गले के पास कलर क्या रहता था, व्हाइट रहता। का वजन कहता है तो 600 ग्राम की लंबाई 50 से लेकर 61 सेंटीमीटर तक। इसका जीवन काल 20 से लेकर 30 वर्ष। मलुकियन कोकेटो कहा जाता है। इसका वजन 850 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 46 से 52 सेंटीमीटर होता है। इसका जीवन काल 40 वर्ष। पहले ये जू सिर्फ 10 एकड़ में था। क्या है, 10 एकड़ में फैमिली को असर बने थे जू राजाओं ने। बाद में क्या होता कहते हो हो रहा है, 10 साल के बाद एक्सटेंड करते हैं, 45 एकर्स में एक्सपेंड करते हैं। क्या एक्सपेंड करने के बाद हो रहे, थोड़े साल के बाद क्या करते हैं, 157 एकर्स का बना डालते हैं। इसे सिल्वर फैसेंट कहा जाता है। इसका वजन 1 से लेकर 2 केजी तक रहता है। इसका आहार बीज और कीड़े मकोड़े। जीवन काल 10 वर्ष। इसे येलो गोल्डन फैसेंट कहा जाता है। इसका वजन 550 ग्राम होता है और इसकी जीवन काल 5 से लेकर 6 वर्ष होता है। यह शेर है, इसे कौन नहीं पहचानते बोलो, उधर दूर जाको बैठे। यह कैट फैमिली से बिलोंग करता है। इसका रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका वजन 130 से लेकर 190 केजी होता है। इसका जीवन काल 10 से लेकर 15 वर्ष होता है। यह जो बड़ा सा सांड देख रहे हैं तो, इसे इंडियन बाइजन भी कहा जाता है। इसका रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका वजन 1500 किलो रहता। इसे रिंग टेल लेमर कहा जाता है।
इसका मतलब जो इसका दुम जो रहता है उसे ब्लैक कलर का रिंग टाइप राउंड 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 ब्लैक व्हाइट स्टेप स्टेप रहने से उसे रिंग टेल लेमर कहा जाता है। इसका वजन 2.2 केजी होता है और इसका जीवन काल 20 से लेकर 27 वर्ष होता है। इसे लायन टेल्ड मैक्यू कहा जाता है। यह पुराना बंदर है। यह वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है। 330 से लेकर 6000 फीट तक ऊपर चढ़ सकते हैं। वजन 2 से लेकर 10 किलो होता और इसका जीवन काल 20 से लेकर 30 वर्ष। इसे टैपिर बोलते हैं। यह पिग शेप में होता है और हाथी के जैसा भी जर्रा दिखता। इसकी लंबाई 6.6 फीट, इसका वजन 150 से लेकर 300 किलो। इसे सदर्न व्हाइट राइनोसोरस कहा जाता है। इसका वजन 2300 केजी होता है। लंबाई 1.7 से लेकर 1.9 मीटर होता है। आहार घास फूस खाते हैं। इसका जीवन काल 40 से लेकर 50 वर्ष होता है। वहां पर देख सकते हैं चीता सोया हुआ है। यह भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है। इसका रफ्तार 80 से लेकर 128 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका वजन 72 किलो तक रहता। इसका जीवन काल 12 से लेकर 15 वर्ष तक रहता। इसे जीब्रा कहा जाता है। यह ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप कोट रहता तो लंबा ऐसा ब्लैक पट्टा रहता है। इसकी लंबाई 4 से लेकर 5 फीट होता है एट शोल्डर। का वजन 280 के और इसका जीवन काल 25 वर्ष होता है। शायद तुम लोग क्लियरों को नहीं दिख रहा, यह चिंपांजी है। का वजन 40 से लेकर 60 किलो रहता। इसकी लंबाई 4 से लेकर 11 फीट और इसका रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता। इसका जीवन काल 32 से लेकर 40 वर्ष होता है। चिंपांजी खासियत क्या कहते हो, अगर जंगल में कौन सा भी खरोच गिरोच आया, कौन सा तो इंजर हुए कहते हो, क्या करते हैं वहाँ के खुद पत्ते जमा करके उस खरोच ऐस जगह पर क्या करते लगाते हैं एज ए फर्स्ट एड, सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हैं। इसे स्लॉथ बीर कहा जाता है। इसका वजन 90 से लेकर 140 किलो होता है। की लंबाई 5 से लेकर 6 फीट होता है। यह सिंगल प्राणी है जो रात के वक्त ज्यादा एक्टिव रहता है और इसका जीवन काल 40 वर्ष रहता है। वहाँ पर देख सकते हैं रेनबो कैसा रहा, रेनबो देखो कैसा रहा धूप। इसे स्पॉटेड डीर कहा जाता है। का मतलब इसके आंख पर क्या रहता है, गोल गोल निशान रहते हैं। चीताल भी कहा जाता है। यह भारत का नेटिव प्राणी है। आहार घास फूल। इसका वजन 36 किलो और 35 इंच टॉल रहता। जीवन काल 20 से लेकर 30 वर्ष। इसे स्लॉथ बीर कहा जाता है। इसका वजन 90 से लेकर 140 किलो होता है। की लंबाई 5 से लेकर 6 फीट होता है। यह सिंगल प्राणी है जो रात के वक्त ज्यादा एक्टिव रहता है और इसका जीवन काल 40 वर्ष रहता है। इसे स्वैम्प डीर कहते हैं और इसे 12 सिंगा भी कहते हैं। तो इनके 12 सिंगा रहते हैं। इसका वजन 170 किलो का खाना क्या कहते हो, तो पत्ते घास। इनका जीवन काल 44 से लेकर 46 वर्ष होता है। इसे हॉग डीर कहते हैं। सबसे छोटा डीर माना जाता है। इसका वजन 37 किलो होता है। इनका आहार घास फूस खाते हैं। यह पिग जैसा दिखता है और इनका चलने का स्टाइल भी क्या रहता, पिग के जैसा रहता और इनका जीवन काल 10 से लेकर 20 वर्ष होता है। यह जो हाथी देख रहे हैं तो इसे एशियन एलिफेंट कहा जाता है। एसेटिक एलिफेंट भी कहते हैं। इसका वजन 2700 लेकर 4000 किलो तक रहता। इनका चमड़ा ग्रे कलर का रहता और इनकी हाइट 2.8 मीटर का शोल्डर लेवल तक। इनका जीवन काल 48 ईयर्स रहता। यह भी हाथी चा लेकिन ये दूसरा। इसे अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं। इसकी लंबाई 3.2 से लेकर 4 मीटर होती है और इसका वजन 4700 लेकर 6048 केजी रहता। यह हाथी दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल कहते हैं। इनका चमड़ा बहुत जाड़ा रहता। इन्हें कम्युनिकेशन कैसा करते हैं तो वाइब्रेशन के द्वारा। इनका जीवन काल 60 से लेकर 70 वर्ष होता है।
दोस्तों अगर तुमने वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता और अच्छे अच्छे वीडियो बनाना करके दिल होता। इसका और एक पार्ट आता, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वेट करो तुम्हें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।